नमस्कार, पब्लिक एशिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मुजफ्फरनगर पुलिस के अंतर राज्य वाहन चोरों का किया भंडाफोड़। दिल्ली से आधी कीमत में वाहनों को खरीदकर उत्तर प्रदेश की नंबर प्लेट बदलकर 5 से 10 हजार के मुनाफे में बेच देते थे। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं बदमाश का एक साथी भागने में कामयाब हो गया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक बुलेट, एक यामाहा FZ मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी बरामद की है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। दरअसल मामला बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के बायावाला चौकी का है, जहां पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी बागपत की तरफ से स्कूटी सवार 3 युवक व 1 बाइक सवार युवक को पुलिस ने आते देखा। पुलिस ने युवकों को रुकने का इशारा किया। पुलिस ने स्कूटी सवार तीनों युवकों अमित विकास मिंटू को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनके एक साथी भागने में कामयाब हो गया। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वह दिल्ली में रहने वाले अपने साथी राजीव के माध्यम से फर्जी फाइनेंस कराकर गाड़ियों को आधी कीमत में खरीद लेते थे और 5 से 10 हजार रुपए के मुनाफे में उत्तर प्रदेश की नंबर प्लेट बदलकर उन्हें बेच देते थे। अब पुलिस इन लोगों की हिस्ट्री खंगाल रही है, जिनको इन्होंने पिछले 2 वर्षों में वाहन बेचे हैं, और फाइनेंस के वाहन चोरों के आपराधिक इतिहास को खंगाल रही है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस।